हेलो दोस्तों, तो आज है 26 जनवरी अपना रिपब्लिक डे यानी कि प्रजासत्ताक दिन। तो आइए जानते हैं प्रजासत्ताक दिन की पृष्ठभूमि। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए लखनऊ में एक समिति बुलाई जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। अधिकांश कॉलोनियल इंडिया 1857 से 1947 तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। फिर 1947 से 1950 तक वही कानून लागू होता रहा क्योंकि भारत में इन 3 वर्षों के लिए ब्रिटेन का अधिराज्य था, क्योंकि प्रत्येक रियायत को सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन द्वारा भारत के साथ एकीकरण के लेख पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया गया था और ब्रिटिश सरकार देश की बाहरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनी रही। इस प्रकार भारत के संविधान ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया जब यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत ब्रिटिश ताज का प्रभुत्व नहीं रहा और एक संविधान के साथ एक सोवर्जन यानी सार्वभौम डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और रिपब्लिक यानी गणतांत्रिक राज्य बन गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान के आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 388, 388, 391, 392, 393 और 394 लागू हुए और शेष आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए जो भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।